फाइनली कैनन EOS R मेरे पास आ गया यूज़ करने के लिए। मैं एक हफ्ते से इसको इन डेप्थ यूज़ कर रहा हूँ, फोटो वीडियो एंड व्लॉगिंग के लिए भी यूज़ किया है मैंने। सो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस इस कैमरा के साथ कैसा था, बिकॉज मैं 5D Mark III यूज़ कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल से, और ये मेरे लिए एक ऐसा कैमरा है जो थोड़ा डिफरेंट है उससे, बिकॉज दिस इज़ मिररलेस। उसके बाद ये कैमरा अर्गोनॉमिकली या फीचर वाइज भी काफ़ी चेंज हुआ है मार्क 3 से, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आगे बात करूँगा। सो लेट्स फाइंड आउट माई एक्सपीरियंस विथ कैनन EOS R गोइंग फॉरवर्ड। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी जो मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, आज का पूरा वीडियो EOS R से व्लॉग टाइप शूट होगा। तो अभी जो आप ये क्लिप देख रहे हो, ये EOS R से शूट हो रहा है यूजिंग 24-105 जो इसका किट लेंस है एट F4। सो स्टार्टिंग विद द ग्रिप ऑफ EOS R, ऑनेस्टली लाइक मैं अपना 5D Mark III ऑलमोस्ट 4-5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, स्विचिंग टू EOS R मेरे को बिल्कुल भी डिफरेंस फील नहीं हुआ, बल्कि इसमें जो ग्रिप है इट इज़ मच मोर डीपर एज़ कम्पेयर टू 5D Mark III जो मैं यूज़ कर रहा था। तो उस हिसाब से, बल्कि मेरे को ये ग्रिप के हिसाब से बेटर लगा फॉर माई यूज़। इसके बाद अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, ओवरऑल अभी तक मेरे को जो कैमरा लग रहा है वो काफ़ी स्टर्डी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है ऑनेस्टली बिल्ड के हिसाब से। अब बात करते हैं थोड़े इसके बटन्स और कंट्रोल्स के बारे में। सो सबसे पहली चीज़ जो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी वो है मोड्स के लिए एक जो डायल है यहाँ पे, उसके लिए बेसिकली आपको मोड का बटन प्रेस करके एंड देन आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। अब कई लोगों के लिए वो माइनस पॉइंट भी हो सकता है, मेरे को शुरू में इश्यूज़ हो रहे थे, बट बाद में जब मैंने 2-3 दिन इसको दिए तब मेरे को बेटर लगा, बिकॉज इसमें क्या है वीडियोज़ और फ़ोटोज़ के लिए काफ़ी अलग अलग मोड्स हैं। तो अगर मैं फ़ोटोज़ में एक तरह की सेटिंग सेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपर्चर प्रायोरिटी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो उसमें जो मैं फ़ोटो में सेट करूँगा वीडियो में उसके लिए मैं अलग चीज़ें सेट कर सकता हूँ, वो दोनों रिलेट नहीं होंगी। तो ये एक काफ़ी प्लस पॉइंट लगा मेरे को इस पर्टिकुलर फीचर में। नाउ इफ यू लुक ओवर हियर, यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले दिखेगा। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले मिलता है, इफ़ यू वांट टू चेक योर सेटिंग्स, आप मोड चेक करना चाहते हो या आप सेटिंग्स चेंज कर रहे हो, जस्ट वांट टू सी ओवर हियर और आप यहाँ पे नहीं देखना चाहते, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू अगर आप उस तरह से यूज टू हैं या इफ़ यू लुकिंग फॉर दैट अपग्रेडेशन। उसके बाद अगर मैं बटन्स की यहाँ पे बात करूँ, लाइक आई टोल्ड यू सारा राइट हैंडेड है ये कैमरा, ऑलमोस्ट लिविंग द मेन्यू मोड एंड ऑन एंड ऑफ डायल। अब एक चीज़ मेरे को क्या अच्छा लगा यहाँ पे, अगर ऑन एंड ऑफ डायल इन्होंने अलग से लेफ्ट साइड दे दिया है, सो राइट हैंड साइड जो आपका डायल है ओवर हियर, जो यहाँ पे आपको बेसिकली मोड चेंज करने के लिए अलाउ करता है, और भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं जिसको आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। लाइक कैनन 5D Mark III में मेरे पास एक जॉयस्टिक था प्लस एक डायल था जो पीछे की साइड था जिसको मैं चेंज कर सकता था, बट यहाँ पे मेरे को क्या इंटरेस्टिंग लगा, ये जो पर्टिकुलर डायल है इसको मैं फ़ोटोज़ ब्राउज करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, मेन्यू में यूज़ कर सकता हूँ, एंड इवन टू एडजस्ट माई एक्सपोजर कंपनसेशन या और जिस हिसाब से मेरे को इसको कस्टमाइज़ करना है मैं कर सकता हूँ। तो वो मेरे को काफ़ी इम्प्रेसिव लगा यहाँ पे। एंड एट दी एंड मैं एक चीज़ जो यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, यहाँ पे लॉक का बटन है अलग से। सो अगर आप चाहते हो कि आपके कुछ भी बटन्स वाइल क्लिकिंग फोटोज़ वो किसी भी तरह कुछ टच या प्रेस ना हो, आप लॉक बटन दबा सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट शूटिंग योर फोटो वीडियो और व्लॉग्स, वहाँ पे कुछ भी बटन अगर प्रेस होता है यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट थिंग। और एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग बटन है जिसके बारे में मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, वो है ये MFN बटन जो ऊपर आपको दिखेगा। सो ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, ट्रस्ट मी, बिकॉज जब बाहर मैं शूट कर रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, स्ट्रीट फोटोग्राफी इवेंट्स या इवन वेडिंग्स भी, मेरे को चाहिए मैं क्विकली अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकूं। सो जस्ट बाय प्रेसिंग दिस बटन मैं को यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है कि मैं ISO चेंज कर सकता हूँ, मैं अपना फोकस ड्राइव चेंज कर सकता हूँ, मैं वन शॉट से सर्वो पे जा सकता हूँ, देन वाइट बैलेंस एडजस्ट कर सकते हो आप एक्सपोजर कंपनसेशन,
को भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये एक मेरे को काफ़ी इफेक्टिव बटन यहाँ पे लगा, जिसको यूज़ करके आप क्विकली अपनी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। अब थोड़ा बात करते हैं यूआई के बारे में, यूज़र इंटरफेस। तो सबसे ज़्यादा जो आप यूज़ करोगे वो है जब आप शूट कर रहे हो फोटोज़। सो ओवर हियर इफ़ यू सी, आपको यहाँ पे स्क्रीन में सारी ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे, चाहे वो फोकसिंग मोड हो, वन शॉट एआई सर्वो, आपको बर्स्ट मोड शूट करना है, सिंगल करना है, कंटिन्यूस, वो सारे ऑप्शंस, देन रॉ जेपेग का ऑप्शन, वाइट बैलेंस, पिक्चर स्टाइल, ये सारे ऑप्शंस आपको एक जगह दिख जाते हैं अपनी स्क्रीन पे फॉर योर रेफरेंस। और अगर आपको क्विकली एडजस्ट करना है, सिंपली प्रेस द क्यू बटन ऑन द स्क्रीन या कैमरा पे, और आप वहाँ से क्विकली सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। अब मैं 5D Mark III में मेरे को इंडिविजुअली जाके सबको एडजस्ट करना पड़ता था, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम इस हिसाब से आप सेव कर सकते हो। मेन्यू इज़ ऑलमोस्ट सेम एज एनी अदर कैमरा ऑफ कैनन, अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो आप काफ़ी फेमिलियर ऑलरेडी इस कैमरा से हो जाओगे इफ़ यू आर अ कैनन यूज़र। बस मेरे को एक चीज़ जो थोड़ा सा स्टार्टिंग में इशू दे रहा था वो है रिकॉर्ड बटन का प्लेसमेंट, बिकॉज इनिशियली मैं अपने थंब को यूज़ कर रहा था उस रिकॉर्ड बटन को प्रेस करने के लिए, बट बाद में मैंने अपना एक हैक निकाला कि यूजिंग द फर्स्ट फिंगर, जो मैं इस तरह से शटर रिलीज पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो मैं सीधा इस रिकॉर्ड बटन पे इजीली रीच आउट कर सकता हूँ। सो अब मेरे लिए इतना ज़्यादा इशू नहीं है टू प्रेस द रिकॉर्ड बटन अगर मेरे को वीडियो शूट करनी है। अब इस कैमरा में जो फिजिकली एक नया एडिशन है वो है मैनुअल फंक्शन बार, जिसको यूज़ करके आप ISO, वाइट बैलेंस, ऑटो फोकस पॉइंट्स, इस तरह की चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो एंड यू कैन यूज़ इट एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। अब एक ड्रॉबैक जो यूजुअली मिररलेस कैमरास का रहता है वो है कि जब भी हम लेंस को उतारते हैं कैमरा से तो हमारा सेंसर इज़ डायरेक्टली एक्सपोज टू जो भी डस्ट है या जो भी है। इसमें एक प्लस पॉइंट ये है, आप जैसे ही कैमरा ऑफ करते हो वहाँ पर एक शटर है जो आपके सेंसर के आगे आ जाता है। सो इफ़ यू आर चेंजिंग लेंसेज तो उस टाइम पर क्या होता है, वो सेंसर के आगे कर्टन आ जाता है एंड आपको उस डस्ट या डायरेक्टली सन से एक्सपोज होने की वहाँ पे चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट हो जाता है एज अ मिररलेस कैमरा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस पर्टिकुलर EOS R के लेंसेज में है वो है एडजस्टेबल रिंग। सो बेसिकली लेंस में एक रिंग है जिसको डेडिकेटेडली आप एपर्चर, शटर स्पीड, ISO, इवन एक्सपोजर कंपनसेशन के लिए डेडिकेट कर सकते हो। तो आप उस रिंग को यूज़ करके, जैसे मैं एपर्चर प्रायोरिटी पे शूट करता हूँ मोस्टली, तो मैंने उस पर एपर्चर वाला फंक्शन डाल रखा है। तो जब भी मेरे को एपर्चर वैल्यू चेंज करनी है मेरे को सीधा वो लेंस की रिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा एंड ट्रस्ट मी इतना कन्वीनियंट हो जाता है कि आप विद इन सेकेंड्स आप एक एपर्चर वैल्यू से दूसरे वैल्यू में जा सकते हो, वो भी लेंस के एक डायल को एडजस्ट करके। अब ये बेसिकली इसके अंदर अडाप्टर है जिसको आप यूज़ करके अपने EF-S लेंसेज, EF एंड EF-S दोनों लेंसेज यूज़ कर सकते हो। अब इसका एक बेनिफिट ये है जो मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, जैसे मेरे पास कई लेंसेज हैं, जैसे EF लेंस है, एक 10-18 है जो EF-S लेंस है, जो क्रॉप सेंसर कैनन के क्रॉप सेंसर कैमरा के लेंसेज हैं, उनको आप इस फुल फ्रेम कैमरा में लगा सकते हो जो अभी तक कैनन में पॉसिबल नहीं था। सो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट जो एक कैनन के कैमरा में अब अवेलेबल होगा। यूजिंग दिस अडाप्टर आप फॉर एग्जांपल, लेट मी शो यू गाइस, अगर मेरे पास ये वाला लेंस है विच इज़ EF लेंस 50mm का, सो इसको मैं सिंपली इस तरह से आप लगा सकते हैं, यू कैन यूज़ इट ऑन योर EOS R कैमरा। सिमिलरली मैं अपना EF-S लेंस को भी इस पे माउंट करके यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अडाप्टर के साथ, कुछ लेंसेज जैसे मैंने 51.8 यूज़ किया, 10-18 भी यूज़ करा, मेरे को ऑनेस्टली फोकसिंग में या फोकस स्पीड में, एक्यूरेसी में कुछ डिफरेंस नहीं लगा एज़ कम्पेयर टू जब मैं नॉर्मल लेंस इस पे अडाप्ट करके यूज़ कर रहा हूँ जो इसी माउंट का है। तो मेरे को अडाप्टर के थ्रू काफ़ी इजी रहा, मेरे को कुछ एज सच पर्सनली इश्यूज़ नहीं आए एंड रिजल्ट भी मेरे को काफ़ी अच्छे थ्रू एन अडाप्टर लगा। ओके, तो मेरे को लग रहा है शायद थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो रहे हैं, तो लेट मी शेयर अ फन फैक्ट जो कैनन EOS R में है। ये चीज़ मेरे M50 में भी है, मैं बात कर रहा हूँ रॉ इमेज प्रोसेसिंग की। तो आप एक रॉ इमेज अगर आप रॉ फॉर्मेट में शूट कर रहे हो उसको आप कैमरा के अंदर एडिट कर सकते हो, राइट, यू कैन एडिट दैट फोटो, आप क्रॉप कर सकते हो, उसका एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हो, वाइट बैलेंस चेंज कर सकते हो। सो ये काफ़ी कुछ टूल्स हैं जिसको आप इन कैमरा अगर आप एडजस्टमेंट करना चाह रहे हो यू कैन ईजिली डू दैट एंड यूजिंग ब्लूटूथ और वाईफाई आप अपनी उस फोटो को
इस कैमरा से अपने फ़ोन में इजीली ट्रांसफ़र करके डायरेक्टली इंस्टाग्राम या सोशल चैनल्स पे यूज़ कर सकते हो। तो अब अगर मैं बात करूँ कि EOS R का मेरे को फोकसिंग परफॉर्मेंस कैसा लगा, सबसे पहले शुरू करते हैं स्टिल्स या फोटोज़ के डिपार्टमेंट में। सो एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर इसमें है, जो ऑलमोस्ट आई थिंक अब बाकी कैमराज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो है आई डिटेक्ट ऑटो फोकस। तो अगर मैं पोर्ट्रेट्स स्पेशली जब शूट कर रहा हूँ, सो उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मेरी जो नियरेस्ट आई है उस पर फोकस रहे, एंड येस इट डज़ अ गुड जॉब इन दैट। तो मैंने जो पोर्ट्रेट्स लिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, उसमें आई डिटेक्ट के साथ मेरे को ईजिली फोकस एकदम एक्यूरेट मिल गया। और अगर आप आई डिटेक्ट नहीं भी यूज़ करना चाहते, इसमें टच एंड ड्रैग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप व्यू फाइंडर पे शूट कर रहे हो एंड आपको चाहिए कि आपको साथ ही साथ विदाउट पुटिंग ऑफ कैमरा डाउन आपको फोकस पॉइंट चेंज करने हैं, आप सीधा जब आपका व्यू फाइंडर पे कैमरा है, आप अपने थंब को यूज़ करके स्क्रीन पे इजीली उसको जहाँ भी आपको पॉइंट चाहिए ड्रैग करके आप ड्रॉप कर सकते हो और कैमरा उधर फोकस कर देगा। अब अगर मैं बात करूँ कि कितना फास्ट है एज एन कितना एक्यूरेट है, मेरे को पर्सनली काफ़ी एक्यूरेट लगा। बट अगर आप टच एंड ड्रैग ऑप्शन इनेबल कर रहे हो, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप आप शूट इस तरह से कर रहे हो, तो आपका जो नोज़ है वो टच होगा स्क्रीन में, एंड वहाँ पे एक्सीडेंटली कहीं और जगह वो फोकस कर सकता है। सो अगर आप उस चीज़ को इनेबल कर रहे हो, ये चीज़ आप ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आपको बैकफायर कर सकता है, स्पेशली जब आप प्रोफेशनल शूट कर रहे हो। अब अगर मैं बात करूँ इसमें फोकस पॉइंट्स जो हैं वो 5655 सेलेक्टेबल AF पॉइंट्स हैं। अब ये चीज़ कई लोगों को जानना था डिटेल में कि इतने ज़्यादा फोकस पॉइंट्स कहाँ से हो गए, क्या है। सो बेसिकली इट्स अ सिंपल मैथ, 87 फोकस पॉइंट्स इन्होंने यूज़ करे हैं वर्टिकली एंड 65 हॉरिजॉन्टली। तो 65 एंड 87 को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो, इट कम्स आउट टू 5655 सेलेक्टेबल पॉइंट्स। तो आप पूरी स्क्रीन में आपको इतने पॉइंट्स मिलते हैं जिनमें से आप किसी भी एक पॉइंट को सेलेक्ट करके शूट कर सकते हो। सो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होता है, स्पेशली जब आप स्पोर्ट्स या एक्शन को कैप्चर कर रहे हो। अब अगर हम फोकस पॉइंट्स की बात कर ही रहे हैं, मिररलेस का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि हमें फोकस एरिया जो है, टोटल फ्रेम में जो एरिया रहता है फोकस में, वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो EOS R में 100% वर्टिकली आपको पूरा कवरेज मिलता है एंड हॉरिजॉन्टली 88% का फ्रेम कवरेज है। तो उस पूरे एरिया में आपके फोकस पॉइंट स्प्रेड होते हैं, एंड ऑब्वियसली अगर आपके सब्जेक्ट्स एजेस में हैं तो वहाँ पर काफ़ी यूजफुल रहता है मिररलेस के साथ फोकस करना। तो मैंने एक दो दिन पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी और पोस्ट भी डाला था कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं EOS R के रिगार्डिंग, यू कैन फील फ्री टू आस्क। कुछ चीज़ें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे स्पेशली बैटरी लाइफ एंड हीटिंग इश्यूज़ के बारे में। तो मैंने इससे पूरा 3-4 घंटे लगातार भी शूट करा है, मेरे को हीटिंग इश्यूज़ कुछ नहीं लगे, जबकि आपको पता है अभी दिल्ली में कितनी गर्मी है, उस हिसाब से भी हीटिंग इशू में मेरे को कोई इशू नहीं लगा। दूसरा चीज़ बैटरी, सो ऑन पेपर्स इसकी जो बैटरी लाइफ है दैट इज़ 350 फोटोज़, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जितना यूज़ करा है, ईजिली 500 प्लस फोटोज़ आप ले सकते हो, बिकॉज मैंने मोस्टली इससे वीडियोज़ करे हैं, व्लॉग्स करे हैं, फोटोज़ भी शूट करे हैं, स्टिल मेरे पास काफ़ी बैटरी बची थी ऑलरेडी। तो मेरे हिसाब से बैटरी लाइफ मेरे को इसका काफ़ी अच्छा लगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था वो था कि EOS R में इमेज स्टेबलाइजेशन परफॉर्मेंस कैसा है। सो लेट मी क्लियर कि इसमें इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, इसीलिए इसके जो R माउंट लेंसेज हैं उनमें इमेज स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड किया गया है, विच आई टेस्टेड एंड मेरे को पर्सनली 3-3.5 स्टॉप्स तक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकली मिला। उसके बाद अगर आपको फर्दर स्टेबलाइजेशन चाहिए, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन जो है आप वो यूज़ कर सकते हो। सो फिजिकल स्टेबलाइजेशन नहीं है, बट इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन को आप यूज़ करके देन यू कैन गेट दैट आउटपुट। बट हाँ, मेरे को लगता है अगर इसमें इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन होता तो ये एक परफेक्ट कैमरा हो सकता था स्टिल्स, वीडियोस और ब्लॉगिंग के लिए।
तो अब हम बात करते हैं वीडियो एंड व्लॉगिंग के हिसाब से, अगर आप इस कैमरा को देख रहे हो कैनन यूएसआर, इसमें आप को किस तरह से क्या फीचर्स मिलते हैं, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था इन पिछले 6-7 दिनों में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि इसमें आपको कितने FPS पे शूट करने के कैपेबिलिटीज़ हैं। 4K में आप 30 FPS शूट कर सकते हो, 24 का भी ऑप्शन है, देन 1080p में 60 FPS एंड 720p जो मेरे को लगता है शायद आप शूट करोगे नहीं। सो 60 FPS इज़ द मैक्सिमम दैट यू गेट। आई विश 120 FPS होता, बट मेरा यूज़ अभी तक 120 FPS का नहीं है, तो मेरे लिए 60 FPS इज़ गुड इनफ। अगर आप देख रहे हो देन आई थिंक यू हैव अदर ऑप्शंस इन द मार्केट। 4K में 30 FPS, अब 4K में आई नो आपके माइंड में ये चीज़ आ रहा होगा कि इसमें 4K में क्रॉप है, विच इज़ अराउंड 1.7x क्रॉप। येस द क्रॉप इज़ देयर, जो मेरे को भी कहीं ना कहीं काफ़ी वो चीज़ लगा कि क्रॉप है तो मेरे को पूरा जो मेरे लेंस की फोकल लेंथ है उसका मैं बेनिफिट नहीं ले पाऊँगा। देयर इज़ अ हैक, बिकॉज सी हमें भी पता है इसमें क्रॉप है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। बट एक हैक जो मैंने निकाला है कि इसके अडाप्टर के साथ, जैसे मैंने बताया आप EFS लेंसेज यूज़ कर सकते हो, तो जो मेरा 10-18 लेंस है जो आई गेस मैंने 16-17 हज़ार का लिया था, उसको यूज़ करके मैं इस पर अगर माउंट करता हूँ तो मेरे को अराउंड 17 mm के आसपास की फोकल लेंथ मिल जाती है। सो दैट इज़ अ हैक जो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये एक ऑल्टरनेटिव है जो मैंने फाइंड आउट करा एंड उससे मैंने कुछ व्लॉग में क्लिप्स शूट करे जो आप यहाँ देख सकते हो। सो ये एक ऑप्शन है। और अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ अडाप्टर के साथ वीडियो में, तो लाइक आई टोल्ड स्टिल्स में भी मेरे को कुछ इशू नहीं लगा, इसमें भी मेरे को फोकसिंग का कुछ इशू नहीं लगा, ना कैमरा या लेंस इतना ज़्यादा हंट कर रहा था, मेरे को फोकस वीडियो के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा लगा, जैसे मैं इस आर माउंट के साथ जो मेरे को रिजल्ट मिल रहा था। अब हम बात करते हैं इमेज स्टेबलाइजेशन की। जैसे मैंने स्टिल्स में बात करी, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है इसमें, तो वीडियोज़ में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप स्टेबलाइजेशन को ऑन करते हो तो आपका क्रॉप बढ़ जाएगा। तो वो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर आप उस स्टेबलाइजेशन को यूज़ करने का प्रिपेयर कर रहे हो अपने माइंड में। अब एक चीज़ अगर आप मैनुअली फोकस करते हो वीडियोस में, जो मेरे M50 में भी मेरे को काफ़ी यूज़फुल फीचर लगता है, वो है मैनुअल फोकस पीकिंग। जब आप मैनुअली फोकस करते हो अपने लेंस से, आपको कैमरा पीक दिखाता रहेगा, जहां आपका सब्जेक्ट जा रहा है वहां पे डिपेंडिंग आप क्या कलर चूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल रेड, तो जहां फोकस होगा वहां पे ज़्यादा रेड आपको दिखाता रहेगा, तो वो मैनुअल फोकसिंग में काफ़ी यूज़फुल रहता है फीचर। तो मैंने सोचा वो आपके साथ एक चीज़ यहां पे मैं शेयर कर दूं। एक गुड न्यूज़, अगर आप सिनेमाटोग्राफर हो, इसमें आपको सी लॉक मिलता है, सो आप इंटरनली 8-bit पे शूट कर सकते हो 4:0। अगर आप एक्सटर्नल मॉनिटर यूज़ करते हो, दिस इज़ कैपेबल ऑफ शूटिंग एट 4K 10-bit 4:2:2। तो अभी जो मेरी पर्सनली नीड्स हैं वो है फोटोज़, वीडियोस एंड व्लॉगिंग। तीनों के हिसाब से अगर मैं इसको एज अ अपग्रेड देखता हूँ, मेरे लिए इट इज़ अ गुड कैमरा, बिकॉज ऑनेस्टली अभी तक मैं 4K में शूट नहीं कर रहा, तो मेरे को उस क्रॉप से फ़र्क नहीं पड़ता। इन फ्यूचर अगर मेरे को सी लॉग में शूट करना है, मैं एक हैक ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ, तो वो रिस्ट्रिक्शन मेरे लिए यहाँ पे इतना कुछ रीज़न नहीं है कि मैं इस कैमरा को ना प्रेफर करूँ। बिकॉज स्टिल्स के हिसाब से ये 24-105 ऑनेस्टली जो मैंने लेंस टेस्ट करा है, काफ़ी ज़्यादा शार्प है, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है फोकसिंग में, और ऑनेस्टली Mark III से मेरे को काफ़ी फास्ट लग रहा है ये कॉम्बो जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। सो मेरे हिसाब से दिस कैमरा इज़ गुड फॉर मी। अगर मैं इसको अपग्रेड के हिसाब से देखता हूँ, फीचर वाइज काफ़ी ज़्यादा लोडेड है। अब ये एक क्वेश्चन था जो मेरे से किसी ने इंस्टाग्राम पर पूछा था कि EOS R किन के लिए है, फोटोग्राफर्स के लिए या वीडियोग्राफर्स के लिए। मेरे हिसाब से आप अगर दोनों का आपका कॉम्बिनेशन है, फोटोज एंड स्टिल, उस हिसाब से दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। खाली स्टिल्स के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है मार्केट में, ट्रस्ट मी।
मेरी नीड्स के हिसाब से फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ और ब्लॉगिंग के हिसाब से दिस वुड बी अ ग्रेट कैमरा जो मैं शायद अपग्रेड प्लान करूँ। लेट मी नो योर व्यूज़ कमेंट करके कि आपके हिसाब से ये कैमरा कैसा है, आपको रिजल्ट्स कैसे लगे। आई वुड लव टू नो योर व्यूज़। सो ये था कैनन EOS R का इन डेप्थ रिव्यू फोटोज़ एंड वीडियोज़ का। पूरा बिहाइंड द सीन्स रतनदीप ने शूट किया, ही हेल्प मी इन द शूट। यहाँ पे हैंडल है रतनदीप का, यहाँ पे मेरा होगा। यू कैन मैसेज अस इफ यू हैव एनी डाउट्स। हम मिलते हैं आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।